खबर आ रही है यूपी के रायबरेली से, जहां बीते दिनों बहाई गांव के समीप सड़क दुर्घटना में 4 में से 3 की हुई दर्दनाक मौत। तीनों मृतकों के पीड़ित परिजनों ने लालगंज कोतवाली में सीओ लालगंज एवं कोतवाली प्रभारी लालगंज की मौजूदगी में शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत करवाया है कि बीते दिनों लालगंज से डलमव रोड पर बहाई गांव के समीप हुई सड़क दुर्घटना में 4 में से 3 की मौत के मामले को रहस्यमय बताकर निष्पक्ष जांच हेतु न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर सीओ लालगंज एवं कोतवाली प्रभारी लालगंज ने पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। वही सूत्रों की माने तो सड़क दुर्घटना तो सभी जानते हैं, लेकिन असल में हुआ क्या था, दो अलग अलग बाइकें विद्युत पोल में कैसे टकराई और 4 में से 3 की मौत हो गई। यही नहीं, सूत्रों का यह भी मानना है कि 4 में से 3 की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और एक घायल है। घायल युवक घटनास्थल से कुछ दूर जाकर घायल अवस्था में अपने परिजनों को फोन से कॉल करता है, जिसके बाद उसके परिजन वहां पर पहुंचे और उसे उपचार हेतु अस्पताल ले गए, जहां पर उपचार किया। और किंतु सवालिया निशान तो खड़ा होता है कि यदि अन्य साथियों के परिजनों को घायल व्यक्ति द्वारा या फिर उसके परिजनों द्वारा उसी वक्त सूचित कर दिया जाता तो शायद उनमें से कोई ना कोई समय रहती जरूर बच जाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? पूरे चंद्रशेखर उसराहा और थाना सरेनी है, जिला रायबरेली है। क्या मामला है? मामला रहस्यमय सड़क दुर्घटना मौत। कितने लोगों की मौत हुई? 3 लोगों की मौत हुई और उसमें 2-1 लोग और थे वो बच गए हैं। कितने लोग थे वहाँ पर? गए थे 4 लोग, उसमें 1 लोग और थे वो घर पे थे बता रहे थे। और उसके बाद जो है मुझे और कुछ जानकारी नहीं। आज मैं कोतवाली गया था, वहाँ पर सीओ साहब मिले और कोतवाल साहब मिले, उनसे अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष जांच करा के आपको देंगे। इसके लिए आपने हाँ आज दिया शिकायत पत्र।